जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच थर्ड T20I मुकाबला, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का दमखम देखने को मिला। कप्तान रोहित शर्मा की एक और कप्तानी पारी देखने को मिली, तो वहीं दीपक चहर ने सभी का अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों अपनी बल्लेबाजी से हर्षल पटेल, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर और साथ ही साथ इनके साथी खिलाड़ियों ने दोस्तों धमाल मचा दिया इस थर्ड T20I मुकाबले में। बल्लेबाजी के दौरान टीम इंडिया की दाद देनी होगी दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके की चुनौती टीम इंडिया ने ली वो बड़ी से बड़ी टीम चुनौती लेने से घबराती है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या, आपको जानकारी देते हैं फर्स्ट इनिंग के हाईलाइट के बारे में कि किस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया उतरी और न्यूजीलैंड की टीम ने कप्तान बदला और कप्तान ने भी अपना कमाल दिखाया, लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों को रोकने में कई हद तक नाकामयाब साबित रहे। और जो पिछले दो मुकाबले हैं वो टीम काम नहीं कर पाई थी न्यूजीलैंड की, वो काम टीम इंडिया ने करके दिखाया एक बेहतरीन फिनिशिंग के टच के रूप में। आप सभी को बताने वाले हैं इस थर्ड T20I का फर्स्ट इनिंग का हाईलाइट जो 21 नवंबर को खेला गया। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट पाते रहें। जी हाँ दोस्तों, ईडन गार्डन कोलकाता के मैदान पर खेला गया थर्ड T20I मुकाबला, जहां पर कप्तान थे रोहित शर्मा टीम इंडिया के। तो टीम सऊदी आज के मुकाबले में नहीं खेले, उनकी जगह पर कप्तानी करते नजर आए मिचेल सैंटनर। जी हाँ दोस्तों, टीम सऊदी को रेस्ट दिया गया, साथ ही साथ यहां पर जब टॉस किया गया तो रोहित शर्मा की किस्मत का खेल एक बार फिर से चला और रोहित शर्मा ने जीता टॉस कप्तान के रूप में। तीसरा टी ट्वेंटी मैच का लगातार टॉस जीता इन्होंने और अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट करते हुए इन्होंने कुछ बड़े चेंजेस भी किए, जहां पर केएल राहुल की जगह पर आज के मुकाबले में ईशान किशन को जगह दी गई, तो वहीं रविचंद्रन अश्विन की जगह दोनों मुकाबलों में विकेट टेकिंग गेंदबाज रहे उनकी जगह पर युजवेंद्र चहल को मौका दिया गया। बाकी सेम प्लेइंग 11 थी, रोहित शर्मा, ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, सूर्य कुमार, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल। वहीं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में दोस्तों टीम सऊदी की जगह पर हमें नजर आए उनके साथी खिलाड़ी। लेकिन आप सभी को बता दें कि यहां मार्टिन गप्टिल, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, टिम सैफर्ट, जेम्स निशम, मिचेल सैंटनर, लोकी फर्ग्यूसन की वापसी हुई यहां पर टीम सऊदी की जगह पर। इस शोडी हमें देखने को मिले, साथ ही साथ इनके साथी खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट और एडम मिलने कप्तान थे मिचेल सैंटनर। अब टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया दोस्तों, और यह फैसला कह सकते हैं टीम इंडिया अपने आप को निखारने के लिए करती नजर आई। क्योंकि दोस्तों आप सभी को यह भी जानकारी दे दें कि टीम इंडिया चाहती तो पहले गेंदबाजी कर सकती थी, क्योंकि आप सब बखूबी जानते हैं कि ऐसे मैदानों पर ड्यू फैक्टर कितना खतरनाक साबित होता है। और ड्यू फैक्टर की बात करें तो इस समय दोस्तों आप विंटर का मौसम जानते हैं और ड्यू फैक्टर शुरुआती समय से यानी कि 5-5:30 बजे के बाद से ही मैदानों पर दिखने लग जाता है। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और सौरभ गांगुली ने भी चेतावनी दी थी कि इस मैदान पर पहली जैसी पिच नहीं है, 2 साल बाद T20 मैच हो रहा है, तो आप पहले यहां पर गेंदबाजी करें, बल्लेबाजी करें, लेकिन सोच समझ कर डिसीजन करिएगा ताकि आपके पक्ष में जाए वो डिसीजन। तो रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, क्योंकि दो जो T20 मुकाबले हैं वो तो जीत ही चुके हैं, सीरीज अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन यहां पर अपने आप को कह सकते हैं कि एक तरीके से अग्नि परीक्षा देना चाहते थे। क्या हम टीम इंडिया जो इस समय युवा प्लस एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का मिश्रण है, क्या वो डिफेंड करते हुए जीत पाएगी न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने? तो उन्होंने ये चुनौती ली और रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए बोर्ड पर लगा दिए 184 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और सबसे ज्यादा रन दोस्तों रोहित शर्मा ने ही मारे, मतलब जिसे कहते हैं ना टीम एफर्ट, तो आज के मुकाबले में टीम एफर्ट को देखने को मिला। एक दो बल्लेबाज को छोड़ के बाकी सभी बल्लेबाजों के बल्ले से रन आए और वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आए, किसी ने भी ज़्यादा गेंद जाया नहीं करी सिवाय एक दो बल्लेबाज को छोड़ के। रोहित और ईशान किशन, जी हाँ दोस्तों, आज केएल राहुल नहीं थे उप कप्तान, तो ईशान किशन नजर आए रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए। मुंबई इंडियंस के ही समझ लीजिए एकदम रूबरू देखने को मिला, रोहित और ईशान वहाँ पर भी ओपनिंग करते हैं और ओपनिंग पार्टनरशिप दोस्तों आज के मुकाबले में लगातार ये 6ठा-7वां मुकाबला है दोस्तों टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप से, और लगातार ये 5वीं 50 के साथ अर्धशतकीय पारी आई जहां पर ईशान किशन और रोहित शर्मा के बीच पहली विकेट के लिए 69 रनों की पार्टनरशिप हुई। 7वें ओवर की दूसरी गेंद तक 69 रन दोस्तों आए, जिसमें से ईशान किशन के बल्ले से आए थे 21 गेंदों में 29 रन और रोहित शर्मा के बल्ले से चौके छक्कों की बरसात। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की तो कमर तोड़ रखी है रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने इस पूरी सीरीज के दौरान। पहले मुकाबले में 48 बनाए थे, दूसरे मुकाबले में 55 रन की पारी और तीसरे मुकाबले में 56 रन की पारी। लेकिन ईशान किशन की पारी की बात करें तो 21 गेंदों में 29 रन बनाकर खेल ही रहे थे। और मिचेल सैंटनर जो कप्तान है न्यूजीलैंड टीम के आज के मुकाबले के, उन्होंने दोस्तों ईशान किशन के रूप में पहला विकेट लिया, कैच पकड़ी थी टीम सैफर्ट ने, लेकिन उसी ओवर में दो वाइड गेंद भी आई, लेकिन उसी गेंद के साथ साथ दोस्तों एक और विकेट झटकने में कामयाब हो गए मिचेल सैंटनर। उसी ओवर में सूर्य कुमार यादव जैसे खतरनाक बल्लेबाज जो पहले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, उनको 4 गेंद खेली थी और बिना खाता खोले ही चलता कर दिया था। इस बार कैच पकड़ी थी मार्टिन गप्टिल ने और इस विकेट से रोहित शर्मा काफी नाराज थे, क्योंकि
की अभी एक विकेट गिराई था और सूर्य कुमार यादव का गलत शॉट सिलेक्शन था। ऋषभ पंत नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा को जरूरत थी यहाँ से एक लंबी पार्टनरशिप के लिए किसी ऐसे बल्लेबाज की जो उनका साथ दे। लेकिन 9वां ओवर खत्म होते होते दोस्तों टीम का स्कोर 83 रन था। जो स्कोर पावर प्ले से 10-11 रन प्रति ओवर आ रहा था वो उस पर रोक लग गई थी क्योंकि मिडिल ऑर्डर में दोस्तों यहाँ पर धीमी गति गेंदबाजों ने पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करके टीम इंडिया की बल्लेबाजों को बांधे रखा था। उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से मिचेल सैंटनर ने पूरा मैच जकड़ लिया और 9वां ओवर खत्म होते होते ऋषभ पंत का विकेट भी चटका दिया। अब दोस्तों 10 ओवर से पहले टीम इंडिया के 3 विकेट हो चुके थे और साथ ही साथ यहाँ पर स्कोर भी ज़्यादा बड़ा बन नहीं पाया था जो उम्मीद लग रही थी। लेकिन यहाँ से दोस्तों टीम इंडिया की बल्लेबाजों की अच्छी बल्लेबाजी तब देखने को मिली जब श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने यहाँ पर बल्लेबाजी करना शुरू किया। रोहित शर्मा का विकेट दोस्तों इस शोडी ने लिया था, वो ओवर था 12वें ओवर की दूसरी गेंद थी और टीम का स्कोर 103 रन हो चुका था। रोहित शर्मा ने अपना 50 भी बड़े ही अच्छे अंदाज में किया आज के मुकाबले में। 31 गेंदों में 56 रन की पारी, रोहित शर्मा कप्तान के बल्ले से आई कप्तानी पारी, 5 चौके 3 छक्के की मदद से, मतलब एकमात्र ऐसा मतलब कप्तान कह सकते हैं कि जो दबाव में भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है, वरना रोहित शर्मा जितनी बल्लेबाजी इतनी अच्छी कोई कर नहीं सकता। विराट कोहली ने दोस्तों बहुत अच्छे एवरेज के साथ बल्लेबाजी करी, लेकिन तीसरा मुकाबला एज ए T20 फॉर्मेट कैप्टन और यहां पर लगभग तीसरे 50 देखने को मिला। पहले मैच में 48 निकले थे, वो 2 रन कम थे बस। अब यहां पर दोस्तों रोहित का विकेट जाने के बाद श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने पारी को संभाला, इनके बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई 36 रनों की। इस 36 रनों की पार्टनरशिप में दोस्तों 15 गेंदों में 20 रन वेंकटेश अय्यर ने लगाए, एक शानदार छक्का लगाया था, एक चौका एक छक्का लगाया। ट्रेंट बोल्ट ने वेंकटेश अय्यर का विकेट लिया था 16वें ओवर की 5वीं गेंद तक जब टीम का स्कोर 139 रन था। 20 गेंदों में 25 रन बनाकर श्रेयस अय्यर का विकेट भी दोस्तों 17वें ओवर की शुरुआती गेंद पर ही गिर चुका था, एडम मिल्ले ने उनका विकेट लिया था। 25 रन बनाकर श्रेयस अय्यर आउट हुए, वेंकटेश अय्यर 20 रन बनाकर आउट हुए। अब अक्षर पटेल और हर्षल पटेल मैदान पर थे जहां 4 गेंदों में 2 रन बनाकर अक्षर पटेल आखिरी तक नाबाद खड़े रहे, लेकिन हर्षल पटेल दोस्तों 11 गेंदों पर 18 रन बनाए 2 चौके 1 छक्के की मदद से, मतलब ये ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में ही जाने जाते हैं, भले ही इस समय विकेट टेकिंग गेंदबाज के रूप में है लेकिन ये एक ऑलराउंडर है आपको बता दे। तो 2 चौका 1 छक्का लगाया यहां पर लॉकी फर्ग्यूसन ने, इनका विकेट लिया कह सकते हैं, बाकी तो ये अपने आप ही आउट हुए, हिट विकेट आउट हो गए थे हर्षल पटेल। मतलब जो ओवर था दोस्तों यहां पर 19वां ओवर की 3री गेंद थी और यहां पर हिट विकेट आउट हो गए थे। अगर हर्षल पटेल दीपक चहर के साथ खड़े रहते तो स्कोर बहुत आगे जाता, लेकिन हमने देखा दोस्तों किस तरीके से लास्ट में दीपक चहर ने आखिरी ओवर के एडम मिलने के 19 रन बटोरे, 8 गेंदों 21 रन दीपक चहर ने बनाए 2 चौके 1 छक्के की मदद से, उसी ओवर में 2 डबल रन भी भागे थे। तो टोटल देखो देखा जाए दोस्तों तो सबका छोटा छोटा योगदान देखने को मिला। मिचेल सैंटनर ने 3 विकेट चटकाई, इसके अलावा यहां पर ट्रेंट बोल्ट, एडम मिलने, लॉकी फर्ग्यूसन और इस शोडी ने 1-1 विकेट चटकाए। लेकिन रोहित शर्मा जिस तरीके से कैच आउट हुए, इस शोडी ने जो कैच पकड़ी थी वो बहुत लाजवाब कैच थी दोस्तों, बहुत कम ऐसी कैच देखने को मिलती है या यूं कहे कि वो चिपक गई थी। लेकिन 184 रन 7 विकेट के नुकसान पर पहली पारी के दौरान टीम इंडिया ने ईडन गार्डन के इस मैदान पर बना दिए हैं। क्या टीम इंडिया रोक पाएगी न्यूजीलैंड के खतरनाक बल्लेबाजों को, ये देखना होगा दिलचस्प। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप पर आप ये मुकाबला लाइव देख सकते हैं। सिर्फ एक ही बदलाव के साथ उतरी है न्यूजीलैंड की टीम कि टीम सऊदी की जगह टीम मिचेल सैंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन खेल रहे हैं, बाकी बैटिंग लाइनअप एकदम सेम है। और जो टीम इंडिया दोस्तों स्कोर एक समय लग रहा था कि 200 के पार जाएगा वो 184 तक रहा, वो भी अच्छी बात है कि लास्ट में दीपक चहर ने 19 रन आखिरी ओवर बना दिए, बाकी इज्जत बच गई और 170 के आसपास स्कोर नहीं रहा। अब देखते हैं कि टीम इंडिया क्या ये 185 रन डिफेंड कर पाएगी या नहीं। टीम इंडिया ने पहली पारी के दौरान 187 विकेट के नुकसान पर सबसे बड़ी आई पारी कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से 56 रन की। क्या लगता है दोस्तों कितनी जल्दी चेस कर पाएगी टीम न्यूजीलैंड या फिर टीम इंडिया डिफेंड करेगी, कमेंट्स करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।